चैनल आसिफ ब्लॉग। अभी हम लोग इस रोड पे खड़े हैं, ये महाजपुर का रोड पड़ता है, पीछे हमारा पहाड़ है और बहुत अच्छा यहाँ ग्रीनरी लगा हुआ है और बगल में हमारा रेलवे ट्रैक है बगल में। यहाँ पर हमारा बाइक है और हम लोग अभी निकलने वाले हैं राजमहल के लिए। और राजमहल एक ऐतिहासिक शहर है, हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। वहाँ मानसिंह ने बनाया था, पहला अच्छा रोड है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रहा है हमारे तरफ और बहुत अच्छा है, मौसम है। और जैसा कि आपको पता है भाई, हम लोग निकल रहे हैं राजमहल के लिए, अब चलते हैं, चलिए राजमहल आगे दिखाते हैं। अच्छा लगे तो और भी जगह आपको घुमाना है राजमहल। मौसम में बदलाव आ गया है, अब मुझे भैया बादल जो छा गया है ना। हम लोग तलझारी पास कर चुके हैं और हम लोग कुछ ही देर में राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा डिस्टेंस मात्र 7 किलोमीटर ही रह गया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पोखर, बढ़ जा रहा है और हमारी बाइक वहाँ खड़ी है। अब निकले हैं सफर की मंजिल के, अब हम लोग रुक चुके हैं एक और जगह, मंगल हाट में रुक चुके हैं। यहाँ पर एक खासियत है कि ये रेड सॉइल है, कि पानी भी रेड रेड हो रही है।
is how I feel and I can't stop. Opposites attract, I need you nonstop. फाइनली हम लोग रीच कर चुके हैं राजमहल सिंह जी दलाल। यहाँ बहुत अच्छा पार्क बना दिया गया है और चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, खूबसूरती है। सिंह जी दलाल ने मानसिंह ने बनाया था, मार्बल का पूरा पवेलियन बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं हम गंगा। ये गंगा का व्यू है, गंगा का व्यू। फाइनली हम राजमहल पहुंच चुके हैं और ये मनमोहक सा व्यू गंगा का है। और इस वक्त मैं साहेबगंज से राजमहल स्पेशली थोड़ा भूख लग चुका है तो चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं, देखते हैं खाने में क्या क्या है। खाने में क्या होगा? कैसे प्लेट है? दो प्लेट लगा दो। हेलो गाइस, हम लोग साहेबगंज पहुंच चुके हैं। काफ़ी देखने को YouTube पर, तब तक के लिए लास्ट वीडियो ये मेरा है। अब सफ़र ख़त्म हुआ हमारा राजमहल का। मिलते हैं अब आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग पर, नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक